जीआर लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। श्री सेवा समिति रामलीला मंच घास मंडी फाजिलका में सीता और उनकी नाइट का हुआ मंचन। रामलीला मंच फाजिलका से गौरव रासरानिया, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल जीआर लाइव फाजिलका। नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जिसकी पूजा बल का तमाम आलम सिक्का मानता है और जिसके नाम को हर एक छोटा बड़ा जानता है, मैं प्रोजावन हूं जिसने अच्छे अच्छे सिरों को आने गाड़ी में कुचल डाला, बेशुमारों को पेट खाक मिलाया, मैंने मौत की चोट में लाखों को सुनाया, मैंने शरबत मृत क्रोधों को पिलाया, मैंने बचत में चीज में क्या खुदाई को लाया, मैंने जिस तरफ को पड़ गया उसको मिटा कर छोड़ा, जो किया की पाठ में लाख छोड़ा। अरे भैया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बहन स्वरूप लगा तेरी अब दुर्गति किसने बनाई, इस तरह क्यों खून से भर गई। भाई मैं टहलती टहलती पंचवटी की तरफ जा निकली, वहां दो बनवासी छोकरे मिल गए। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं लंका के महाराज रावण की बहन हूं, बस सब गजब हो गया। वो दोनों मुझ पर झपट पड़े, बड़े ने इशारा किया और छोटे ने मेरी नाक काट डाली। भैया बड़े का नाम राम और छोटे का लक्ष्मण है, दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं। प्यारी बहन उनके साथ, ये तो मैंने सुना, परंतु तुमने हर दूसरे से खड़े होने की। भाई मैं खरगोशन के पास गई, मेरी फरियाद सुनकर वो लड़ाई पर डट गए, परंतु सभी के सभी लड़ाई में मारे गए। सो करने योग्य है बहन तेरा साना, बन के लगती इस तरह दरबार में माना तेरा, सहन कर सकता नहीं विलाप का फसाना तेरा, है जरूरी जल्द ही वहां जाना मेरा। ये तुम्हारी नाक नहीं कटी बल्कि राक्षस प्रजाति की नाक कटी है। ठीक है भैया, परेशान है राम को क्या समझू, प्रदूषण से सारे देवता हिचकते थे, ऐसे काल को मारना मामूली आदमी का काम नहीं। राम ईश्वर है, इसमें कला नहीं। मैं समझ गया मुक्ति का जमाना करीब है और इस वक्त हाथ से गवाना फूल है। रावण चल बेफजूल है, पर वो राजकुमार है, लड़ाई में जीतकर सीता को ले आऊंगा। अगर राम ईश्वर है
उनके हाथों मरकर समुद्र के किनारे जाकर भोर मरकर मरीज के वसीले से उसको उठाकर मरीज रे बहादुर मरीज मरीज मेरे बहादुर मरीज आइए महाराज मेरे घर के साथ अगर चेले महाराज हूँ मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूँ मेरी जान और जिस्म आपके कदमों पर कुर्बान है बोलिए क्या फरमान है क्या तुमने सुना नहीं बहन स्वरूप न था कि ना करते हाँ हाँ सुना तो था लेकिन यकीन नहीं आया कहो किसने ना कहा दिया राम और लखन पंचवटी में आए हैं और उनके साथ सुंदर कुमारी सीता भी है जिन्होंने बहन की नाक पर वार किया है राम लक्ष्मण क्या सुनते ही और छोड़ गए अजी मुझे राम का नाम मत सुनाओ नहीं तो पिंजरे का पखेरू उड़ जाएगा खैर फरमाइए मेरे लिए क्या काम है यही तुम माया रूपी हिरन बनकर चलो ऐसी चौकड़ियां भरो कि राम तीर लेकर तुम्हारे पीछे दौड़े थोड़ी दूर पर जाकर लक्ष्मण को पुकारो ताकि वो भी घबराकर तुम्हारे पीछे आ जाए सीता अकेली रह जाएगी साधु का भेष बनाकर सीता को घबरा ले आऊंगा महाराज आप तो मरने जा रहे हैं और अपने साथ मुझे भी ले जाना चाहते हो अच्छा तमाशा है विषय भोग की वासना तो बड़े सुख न था सारा नजर हाथ में है जिसने तो योजन पर डाला वो तीर करारा हाथ में है वो नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है वो चोट पुरानी बरसों की विराज उखड़ती जाती है उन सूरज वंशी शेरों को ये माया मृग क्या बहकाएगा गर गया तो पिंजरे का पंछी किलियां तोड़ उड़ जाएगा प्रदूषण जिसने मारा है नर नहीं है वो नारायण है सीता अवतार है लक्ष्मी का शेषव दाशी लक्ष्मण है गुरु देवता ब्राह्मण कुटिल नार अवधूत आगम वैद रसोइया हम साया और भूत जो इनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं बेबोध मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं गर हरो तो दिल से बदी हरो सीता का हरदा ठीक नहीं कर करो तो सबका भला करो पर चोरी करना ठीक नहीं अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है
पर नारी घर में लाने से घर का विनाश करने को तो जल्दी कर डालना ही अच्छा, और बुरे काम को जैसे हो हर वक्त भरे डालना ही अच्छा। अगर नहीं चलेगा तो साथ मेरे सारा जहर भुला दूंगा, सीता को हरने से पहले यम की पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। अब करिए क्या है मजबूरी, हर तरह मौत मेरी आई, इस तरफ गिरू तो हुआ है, इस तरफ गिरू तो है खाई, मरना ही है तो रावण के हाथों मरना बेकार मेरा, श्री रामचंद्र के हाथों से मर कर हो बेड़ा पार मेरा। अच्छा महाराज चलिए, सेवक को क्या इनकार है, सेवक आपकी सेवा करने के लिए हर वक्त तैयार है, आइए। राम प्यारी सीते, मैं राक्षसों को मारने के लिए कुछ नर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम कुछ काल के लिए अग्नि में निवास करो। प्रभु दिल तो नहीं चाहता कि आपको छोड़कर जाऊं, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करना परम आवश्यक है, इसलिए आपका कहना स्वीकार है। तुम जाओ उसे पकड़ लाओ, नहीं आगे ये इच्छा है मेरे मन में। आज लक्ष्मण पंचवटी के निकट अनेकों राक्षस फिरते हैं, जो सदा ही छल कपट किया करते हैं, इसलिए तुम हर तरह से सावधान रहना। मैं अभी जाता हूँ और हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। जो आ गया भैया। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण, तुम जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ, हाय मैं मरा। लक्ष्मण सुनो तो, निकट ही तुम्हारे भाई की आवाज आ रही है, मानो तुमने सहायता के लिए बुला रहे हैं, ना मालूम कैसी तकलीफ उठा रहे हैं। माता राम को हरेक का संकट हरने वाले हैं, वो राक्षसों से लड़ करने वाले हैं। मालूम होता है तुम बातों में समय गवाना चाहते हो और भाई को मरवाना चाहते हो, मुझे अकेले जान कपट भाव दिखाना चाहते हो। लक्ष्मण मैंने अब जान लिया भारत का भाई जा रहा है, भारत का भाई जा रहा है, तुम साथ जो बनने आए हो कुछ मतलब। मैं आज सीता माता से भी बढ़कर मानता हूँ, सो ऐसे कठोर वचन कहना मुनासिब नहीं। श्री रामचंद्र जी
आपको मुझे सौंप कर गए हैं। वन में अनेक राक्षस फिरते हैं, अगर आप पर कोई विपत्ति आ पड़ी तो मैं भाता राम सुखचंद्र को क्या जवाब दूंगा। मैं हूं सेवक आपका, बातें बनाना छोड़ दो, पुत्र भैया इस तरह दूषण लगाना छोड़ दो, वचन से माता मेरा घी जलाना छोड़ दो, आप ही अपने लिए विपदा बुलाना छोड़ दो। जाना है तो जाओ, अब ही लाख बहाना छोड़ दो, मैं रहूंगी यहाँ अकेली, दल दिखाना छोड़ दो, क्या असुर खा जाएंगे ये झूठ माना छोड़ दो, बैठ कर जलाना छोड़ दो, तुम्हें साक्षी हो माफी पर लगाता हूं, मगर मैं जब तक वापिस ना आऊं आप इस रेखा से बाहर मत जाना। जो आपने दर्शन दिए
लीजिए जो इच्छा लीजिए, फल स्वीकार कीजिए। इकाई नहीं करते साधु भरी हुई थी अपना क्षमा हो स्वीकार नहीं करते, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती शिक्षा देना चाहती, क्योंकि मेरे देव लक्ष्मण जी की ऐसी ही आज्ञा है शिक्षा वापस ले जाओ। उन्होंने मुझे हम ऐसा कुछ नहीं करते, कोई और तो वजह देख लेंगे। आप भिक्षा ले लीजिए, दरवाजे से भिक्षु का खाली हट जाना मुझे मंजूर है। ये सुनसान जंगल तुम्हारे रहने के बिल्कुल नाकाबिल, मैं अयोध्या के राजकुमार श्री रामचंद्र जी की चाहता हूँ। पिताजी ने हमें वनवास दिया और मैंने उनके चरणों पर हाथ दिया। खबरदार तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के कक्ष में है। अब आने वाले जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले अपने सत्य की रेखा में हूँ, अब लाहूं पर नागल है मैं पतिव्रत की रेखा में हूँ। मंगे की सूरज के पास पहुँच जाऊं, आशा यह नीच पतंगे की। बचाने वाले आओ जी आओ, प्राण के बचाने वाले ईश्वर ने मुझे बताई लक्ष्मण बुराई, अगर नो प्राण बचाई ये दोस्त अभिमानी प्रभु संत कमाने वाले आओ मेरा। तुम्हारी इस मैं कभी
चुराने वाले गौ को सींग से चुराने वाले तुम जल्दी ही आकर सीते इस समय तू वायु विमान में मेरे साथ जा रही है और व्यर्थ ही राम राम पुकार रही है। मैं अभी तुझे लंका में पहुंचाता हूं और वहां ऐसे स्थान पर बिठाऊंगा वहां तेरे राम की हवा भी नहीं आएगी। वो जगह चंदन सीता को कहां उठा के लेके जा रहा है। ये राज मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो सजा पाओगे। आगे राम जी आगे राम पंचवटी में सीता को अकेले छोड़कर क्यों चले आए। मेरे भाई मैं क्या बतलाऊं श्री माता ने मजबूर किया मैंने बहुत तेरा समझाया तेरी आहट ने दिल चूर किया। माता ने एक नहीं मानी सब मर्यादा को दूर किया आखिर रेखा को खींच आया दुष्टों ने चल जरूर किया। रावण जी ज्यादा मत करो पंचवटी सुनी नजर आती है खाली कुटिया देखकर छाती फटी जाती है। घर से निकले बंद पालन को हम अपनी शान का जो जान की आस चली हमें अब जान की सुध की से गए पत्र में रुला रहे थे ये होली बड़ी बलवान लखन हम कई महल मृगो तुम ही कहो देखी है मृग ने कही तीर हुआ तीर हूँ सर तीर हूँ मिल जान की साधु
सीता मिग गयनी तुम बिन सोनाती वर मेरा तुम बिन तुम बिन सोना जीवन मेरा राज्य का त्याग, पिता की मृत्यु और माताओं के वियोग से आपका चित्त उदास न हुआ, परंतु आज माता सीता के बिछड़ने से सारा धीरज जाता रहा। ऐसा तिलकन सुख की अब बीत गई सो बीत गई तू घर से चला सहायक बन अब तो तुझी विपरीत भई मालूम होता है किसी का तो किसी जंगली जानवर ने खा लिया या धोखे से किसी राक्षस ने चुरा लिया। माता जी, माता ने अपनी बातों से सब हर दिया, मेरा होश करो, मैं तो चरणों का सेवक था, कुछ करने लगी कुछ सोच करो, ये होनहार ही ऐसी थी, इसमें नहीं मेरा दोष करो। तुम्हें परम प्रत्यक्ष होते हुए तुम्हारी ज्योति के सामने तुम्हारे वंश की इज्जत वायुदेव तुम तो संचार के कंकण के व्यापक हो, तुम ही बताओ विघ्नेशी कहाँ गई। Yeah.
तुम्हारे उपकार की उपमा किस तरह करूं, इच्छा हो तो अमर कर दूं। आखिर समय में राम तेरा किसे मुख से ध्यान लगाता है, वो उत्तम पदवी को पाता है, मनसागर से तर जाता है। अब राम तुम मेरे सन्मुख हो, अमर बनो ऐसा ना हे विघ्नराज,
तुमने अपने कर्म से यह गति पाई है। शरीर को त्याग करके आप मेरे धाम को जाओ और तुरंत काम हो।